फ्रेंड इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये है जी एलजी की इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव 7 kg वॉशिंग मशीन, और ये इस वक्त रिपेयरिंग के लिए हमारे पास आई है। और इसमें मसला क्या है वो आपके साथ डिस्कस करते हैं, और फिर इसमें इसका हल जो है वो भी बताएंगे कि इसका हल हमने क्या निकाला। तो इसको देखें, हमने प्रॉपरली इलेक्ट्रिक लगाई है, लाइन न्यूट्रल जो है वो प्रॉपर लगाया है, और इसमें स्विच मौजूद नहीं था तो हमने वायर्स ही इंस्टॉल कर दी हैं। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसमें मसला क्या चल रहा है। तो देखें यहाँ पे ये इसका स्विच है, इसका पावर स्विच, इसको हम ऑन कर देते हैं तो आप देखेंगे। ये देखें जी, इसकी तमाम जो लाइट्स हैं वो ऑन हो चुकी हैं। अब यहाँ पे इस नॉब को हम घुमा के तो किसी भी एक प्रोग्राम पे सेट कर लेते हैं और देखते हैं कि ये काम करते हैं। हम यहाँ ऐसे करते हैं कि रिंस और स्पिन पे कर लेते हैं जी, तो क्योंकि इस वक्त पानी तो इसमें मौजूद नहीं है और इसका डोर भी अच्छे से बंद है तो चेक कर लेते हैं। बिल्कुल बंद है जी। तो यहाँ पे इसका देखें प्ले और पॉज का बटन है, इसको प्रेस करेंगे और देखें ये, जब हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये किसी किस्म का कोई फंक्शन जो है यहाँ पर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे यही इसका इशू है कि ये फंक्शन नहीं कर रही है किसी किस्म की भी। बाकी ये देखें इसका डिस्प्ले वगैरह आ रहा है, तो चलें इसको हम रिपेयर करके देखते हैं और इसके पीसीबी को खोल लेते हैं, क्योंकि इसका पीसीबी खोलेंगे क्योंकि उसी में ही मसला है। तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ कि इसमें हमने अब करना क्या है जी। अब यहाँ पर जब इसका हमने कवर खोलना होता है ये वाला ऊपर वाला, तो ये डायरेक्ट ऊपर नहीं आता है, इसके लॉक लगे होते हैं यहाँ पर। तो इसको खोलने के लिए सबसे पहले जो है वो इसकी बैक साइड पर चले जाते हैं और मैं आपको इसके स्क्रूज़ दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखें, एक स्क्रू देखें यहाँ पे लगा हुआ है इसका, और दूसरा स्क्रू देखें ये है जी। तो इन दोनों स्क्रूज़ को हम खोल लेंगे, इसके बाद जो है हम इसका कवर उतारेंगे, और फिर कवर उतारने का भी अपना एक तरीक़ेकार है तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे होगा। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि इसका कवर आपने बगैर तोड़े बगैर किसी मसले के कैसे खोलना है। तो बहुत आसान है, जब आपने पीछे से स्क्रूज़ खोल लिए तो फिर इसको क्या करना है आपने कि देखें इसकी फ्रंट पे आ जाना है और इसको देखें बैक की तरफ थोड़ा सा पुश करना है। जब आप इसको पुश करेंगे तो ये थोड़ा पीछे चला जाएगा, देखें यहाँ पे एक गैप बन गया है, जगह बन गई है। तो फिर इसी पोजिशन में आपने इसको ऊपर उठाना है, ठीक है, ऐसे ही इसी पोजिशन में उठाएंगे तो ये आराम से बाहर आ जाएगा। और जब आपने फिट करना है तो फिर भी आपने ऐसे ही इसको देखें, इसके लिए जगह ढूंढनी है और फिर इसी तरह से आगे की तरफ पुश कर देना और स्क्रूज को टाइट कर देना है। अब इसकी वजह क्या है कि इस तरह से इसकी फिटिंग होती है, तो वो मैं आपको टेक्निकल तमाम पॉइंट्स जो है वो समझा देता हूँ। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मशीन में देखें आपको ये वाइट कलर के देखें स्क्रूज लगे हुए हैं 3। ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें ये एक यहाँ पे लगा हुआ है, एक यहाँ पे लगा हुआ है और एक यहाँ पे लगा हुआ है। तो तीनों का लगाने का कोई मकसद है और वो मकसद मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो है इसको होल्ड कर लेते हैं जी। तो होल्ड किस तरह से कर लेते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखें ये जब इसका डोर है इसको हम उठाते हैं, इसकी तरफ हम इस तरह कर लेते हैं और देखें यहाँ पर हमें बिल्कुल साफ साफ जो है वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये है जी, ये एक बड़ा होल है, देखें यहाँ पे ये बड़ा होल है और उसकी तरफ जी एक थोड़ा सा छोटा होल बनाया गया है और इसको स्लाइड की तरह यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे हम स्लाइड से पुश करते हैं इसको बैक की तरफ तो स्लाइड बन जाती है, इस तरह से ये भी देखें थोड़ा लंबा कर दिया गया है और एक छोटा होल है। तो फिर क्या होता है कि ये बड़े होल में से गुजर के ये चीज़ और ये छोटे होल की तरफ चली जाती है। तो इस तरह से ये जाके तो यहाँ पर देखें इसके नीचे जो पोजिशन बनी हुई है तो उसके अंदर ये लॉक बन जाता है। तो वो पोजीशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे बनी हुई है इसके साथ। ये देखें इसके अंदर देखें कट बना हुआ है, देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कट बना हुआ है। तो इस कट के अंदर आके छोटा होल जो है वो फंस जाता है और यूँ ये फिर बाहर की तरफ नहीं आ पाता, तो इस वजह से ये फिर इसमें लॉक हो जाता है। तो यहाँ पर फिर बग़ैर स्क्रूज़ के जो है वो लॉक लगाने का जो है वो सिस्टम बनाया गया यहाँ पर जी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पीसीबी इसके अंदर लगा हुआ है और इस पीसीबी को हम यहां से खोलेंगे, लेकिन इसको खोलने का तरीक़ेकार क्या होगा तो वो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे हम इसको आसानी से खोल सकते हैं बग़ैर किसी डैमेज के। तो यहां पे आप देख सकते हैं इसके फ्रंट पे, तो फ्रंट पे यहां पे देखें ये एक जो है वो वाटर ट्रे लगी होती है जिसमें कि वाटर और हम सर्फ वगैरह डालते हैं। अब सबसे पहले इसको रिमूव करना होता है, तो इसको रिमूव करने के लिए देखें यहाँ पर एक पुश जो है वो प्लास्टिक लगा हुआ है, तो इसको हम नीचे की तरफ पुश करें तो फिर इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ निकालें तो ये बाहर आ जाता है। देखें यहाँ पे एक लॉक सा है तो ये लॉक की वजह से ये बाहर नहीं आ पाता है, और जब हम इसको देखें नीचे की तरफ पुश करते हैं तो ये देखें
पुश करने से लॉक नीचे चला जाता है और यूँ ये ट्रे जो है, वाटर ट्रे जो है वो बाहर आ जाता है। तो अब हम इसको बाहर निकालेंगे सबसे पहले। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो यहाँ पे देखें कुछ स्क्रूज़ लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि 2 स्क्रूज़ लगे हुए हैं, एक इस तरह है और दूसरा इस तरफ है। तो ये दोनों स्क्रूज़ जो हैं हम खोल लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों स्क्रूज़ जो हैं वो मैंने खोल दिए हैं इस वक्त। तो ये देखें, ये भी स्क्रू निकाला बाहर और ये भी स्क्रू बाहर आ गया। अब ये देखें यहाँ पे लूज़ हो चुका है। तो स्क्रू के खोलने के बाद सबसे पहले जो अगला काम जो आपने करना है वो है जी, यहाँ पे देखें लगे हुए हैं जी, देखें कुछ केबल टाइज वगैरह लगी हुई हैं। तो आपने क्या करना है कि ये जितनी भी केबल टाइज हैं, ये देखें केबल टाइज, इसके जितने भी कनेक्टर्स हैं वो तमाम के तमाम हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये जो कनेक्टर्स हैं ये कैसे निकालने हैं। अक्सर दोस्तों को, अगर जिनको पता नहीं है तो उनके लिए आज अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी। तो देखें यहाँ पे ये कनेक्टर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको देखें, नॉर्मली अगर मैं इसको खींचूँगा तो ये नहीं निकलेगा। तो इसको कैसे किया जाता है, या तो देखें हाथ से और या फिर कोई चीज़ ले लें, कोई सीधा वाला पेचकस ले लें, या फिर ये देखें जैसे मैंने चोरस ले लिया तो ये भी ले सकते हैं। तो आप देखें इसको पीछे की तरफ पुश करेंगे, आप देख सकते हैं ये जा रहा है, देखें दबाने से ये पीछे की तरफ जा रहा है। उसके बाद देखें पुश करने के बाद दूसरे हाथ से तार, इसको कनेक्टर को पकड़ लें या वायर को पकड़ लें तो ये देखें आसानी से बाहर आ जाएगी। इसी तरह से नीचे वाला को भी प्रेस कर देंगे हम और हम आसानी से निकाल लेंगे इनको बाहर। इसके बाद जी नेक्स्ट जो पोजीशन होती है वो होते हैं यहाँ पे लॉक्स ढूंढने होते हैं। तो देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें इसके ऊपर फोम लगा हुआ है तो इससे ये हाइड हो चुका है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे 2 लॉक लगे हुए हैं, देखें जब हम इसको देखते हैं तो देखें यहाँ पे एक कट सा आपको नज़र आ रहा है। देखें यहाँ पे अगर गौर से देखा जाए तो ये कट जो है वो लॉक्स हैं। इसके अलावा आगे थोड़ा सा जाएँ तो एक और कट लगा हुआ है जी। तो ये देखें जी यहाँ पर भी एक लॉक लगा हुआ है। अब इस तरफ से हम देखें यहाँ पे चूंकि ये फ्री हो चुका है इस तरफ से, तो इस साइड से हम लॉक को खोलना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखें जहाँ पे लॉक है, लॉक वाली जगह को हम नीचे प्रेस करेंगे, नीचे की तरफ देखें, नीचे प्रेस किया, इसको थोड़ा सा पुश किया, ये बाहर आ गया। फिर जो है नेक्स्ट लॉक को प्रेस किया तो देखें ये अब बाहर आ गया, मुकम्मल तौर पर देखें बाहर आ चुका है। अब यहाँ पर जब आपने ऊपर से खोल लिया इसको तो अब इसका दोबारा से जो है आपको बैक साइड पे इसके अंदरली साइड से जाना होगा, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपको 2 लॉक और मिलेंगे, तो वो लॉक्स भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से हैं। लेकिन उसके लिए आपको जी ये देखें फ्लैट पेचकस चाहिए होगा, क्योंकि वहाँ पर फ्लैट पेचकस के बगैर जो है वो काम ज़रा मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि देखें जी एक लॉक जो है यहाँ पर लगा हुआ है और दूसरा लॉक जो है वो दिखा देता हूँ मैं आपको कि यहीं पर नज़दीक है जी। तो किधर गया जी, ये थोड़ा सा जी, तो ये देख सकते हैं आप, ये एक दूसरा लॉक जो है यहाँ पे हिडन है। तो देखें यहाँ पे हिडन है। तो अब इनको दोनों को हमने उठाना है यहाँ से ताकि जो है वो हम इसको खोल सकें। तो देखें इसको जो है थोड़ा सा पुश करेंगे और इसको बाहर की तरफ धक्का देंगे तो देखें बाहर चला गया। इसी तरह से अगले को भी ऐसे ही सेम तरीके से देखें थोड़ा सा पुश करेंगे ऊपर की तरफ और ये देखें जी बाहर चला गया। तो इस तरह से ये बाहर चला जाएगा, क्योंकि अभी मैं अकेला हूँ यहाँ पे तो ये गिर जाएगा, इसलिए आपने पुश करके ऊपर की तरफ पकड़ लेना है इसको तो और ये बाहर चला जाएगा। अब यहाँ पे ये पीसीबी जो है वो ओपन हो चुका है, तो अब हम इसमें काम करेंगे और देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है जी।